है दोस्तों, स्वागत है आप सबका माधव एजुकेशन हब चैनल में। इस वीडियो में हम फायर ऑपरेटर सीधी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बोर्ड द्वारा निकाली गई है फायर ऑपरेटर की भर्ती। योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास और सैलरी 20,200, पद 706 पद हैं और सभी राज्यों के पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यह भर्ती नहीं है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एग्ज़ाम सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेक्शन क्या से होगा और क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलो देखते हैं कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये देखें, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई है फायर ऑपरेटर की भर्ती, जिसमें ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भेजते हैं तो वो रिजेक्टेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन कब से भरना है। तो आवेदन की डेट जो है 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, आपकी पोस्ट कितनी कितनी पोस्ट है। तो EWS के लिए 21 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 190, OBC के लिए 115, SC की बात करें 309 पोस्ट और ST के लिए 71, टोटल हैं 706 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नंबर ऑफ पोस्ट, आपको बता दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिक पास फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड इक्विवेलेंट, शुड प्रोसेस वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल्स के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एंड शुड क्वालिफाई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द चीफ फायर ऑफिसर। आपको ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करनी है। फिजिकल टेस्ट होगा इसमें, ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसके अलावा रिटन टेस्ट भी होगा। उसको पास करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। डिसाइजेबल है, यदि टेक्निकल आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और स्विमिंग और डाइविंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। डिसाइजेबल अगर आपके पास प्लेइंग बैंड है तो आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की। फिज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन मिलेगा हिल एरिया वालों को 5 सेंटीमीटर का, 160 सेंटीमीटर हिल एरिया वालों की हाइट चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम वेट, तो आपका 50 kg वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और जब आप सांस लेके करते हैं तो 86.5 आई 6.6 होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 6.6 आई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें रिजेक्शन, अगर आप नहीं हैं तो डिसक्वालीफाई कैसे हो जाएंगे वो देखें। अगर आप ग्लास वियरिंग ग्लासेस हैं और कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फ्लैट फीट अगर आपके फ्लैट हैं और नोक नी, अगर आपके नी आपस में टकराते हैं तो भी आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा डिफॉर्मिटी इन एनी लिम्ब, एक्स्ट्रा लिम्ब इसके अलावा अगर आपके हैं तो उसमें भी आप डिक्वालीफाई हो जाएंगे। पे स्केल की बात करें तो 5,200 से 20,200 इसका पे बैंड है और ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 रुपये ग्रेड पे है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 27 साल। जी हाँ दोस्तों, फिज़िकल हैंडीकेप्ड इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके, या दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एग्जाम फॉर फ़ी नहीं देनी है SC ST एंड एक्स सर्विसमैन को। इसके अलावा आपको पेमेंट जो करना है वो ओनली SBI ePay के थ्रू ही पेमेंट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और मोड से पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पेमेंट आपका रिसीव नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात आपकी करते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। तो SC एंड ST को 5 साल, OBC को 3 साल और डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उसको अप टू 40 ईयर्स और स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो 5 साल का उसको छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है ग्रुप C एंड B का पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम जो है उसकी स्कीम की बात करें तो एग्ज़ाम क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चंस आएंगे 200, टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स का, ग्रांट टोटल 200, रिटर्न है नहीं इसमें। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और अर्थमेटिकल मैथ्स, और इसके अलावा एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी इसमें आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें आएगी। तो टोटल 40-40 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, यानी जनरल अवेयरनेस 5 सब्जेक्ट हो गए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसके अलावा आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग भी है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, OBC के लिए 35% और ST और PWH के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन ऑन देयर पेस्क्राइब्स कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन तो 40% में 5% छूट दी जाएगी, तो 35%। इसके अलावा मिनिमम 30% तो एक्स सर्विसमैन को भी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की सिलेबस की, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस आपको दिया हुआ है देख लें, और इसके अलावा इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक का दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट की, दिया फिज़िकल टेस्ट होगा रिटर्न के बाद, एंड फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट 100 मार्क्स एंड फॉलोइंग शैल बी द स्कीम ऑफ अवार्डिंग दिस मार्क्स। ये मार्क्स ऐसे अप्लाई किया जाएगा, फिज़िकल ये है, सबसे पहले लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी और 800 मीटर की रन होगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम आपको इसमें 33% पास होने के लिए चाहिए फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में, और इसमें मार्क्स का दिया हुआ है, अगर आप पूरा 5.5 मीटर या इससे अधिक की जंप करते हैं तो पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, और हाई जंप में यदि आप 1.7 मीटर से ऊपर की करते हैं तो पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, और आप 800 मीटर की दौड़ यदि 55 सेकंड या इससे कम में करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स 10-10-10 मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट जो कि कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, इसके अलावा और कोई मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड बिफोर फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कंसर्न। इसके अलावा दूसरे में दिया हुआ है कुछ नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म पढ़ने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। तीसरे की बात करें बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन और वेरियस कैटेगरी, ये आपको बताया गया है कैटेगरी का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, तो उसमें मैंने आपको बता दिया छूट कैसी कैसी है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में पास हो जाएगा उसके लिए दिया हुआ है कि उसको डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड कंटेनिंग सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड को संभाल के रखना पड़ेगा, वो इन्विजिलेटर वाला एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो उसको प्रिंट आउट आप इसको संभाल के रखें। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है तो प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं। सेंटर आपके दिल्ली में ही आएगा और NCR में आएगा। कैंडिडेट मस्ट कैरिंग इन ओरिजिनल आधार कार्ड और एनी गवर्नमेंट इशू, जब आप लेके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटो आइडेंटिटी कार्ड एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। नेक्स्ट बात करें तो पूरे इसके अलावा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें चैनल्स को ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।